स्वागत है आपका लोकल न्यूज 24 में। विक्रमगंज कृषि विज्ञान केंद्र में आत्मा अध्यक्षों के साथ की गई बैठक आयोजित। रोहतास जिले के कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज में गुरुवार को जिले के सभी आत्मा अध्यक्षों के साथ बैठक कर जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम कार्य योजना तैयार की गई। बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए रोहतास जिले के 5 गांव में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एके सिंह द्वारा इस योजना की शुरुआत दिनांक 23 अगस्त 2020 को कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास में की गई थी। जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी समस्या है। रोहतास जिले की यह योजना बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर आर के सुहाने की देखरेख में संपन्न की जाएगी। बैठक के दौरान श्री आर के जलज ने बताया कि फसल अवशेषों को खेत में मिलाने के अलावा खेत से बाहर इनका प्रयोग कंपोस्ट बनाने, मशरूम उत्पादन करने, पशु चारा इत्यादि बनाने संबंधित कार्य भी इस योजना के तहत कराए जाएंगे। उन्होंने यह जानकारी दी कि इस योजना को पूरा करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला एवं अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पेरू के वैज्ञानिकों का भी सहयोग लिया जाएगा। आलू आधारित फसल प्रबंधन भी जलवायु आधारित करने की योजना इन गांव में कराई जाएगी। लोकल न्यूज 24 के लिए राजू रंजन दुबे की रिपोर्ट। इसमें कोई काम बात नहीं है, थोड़ा सा चेंज करना होगा। अब जिसे टिकट